हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, आप सभी को पता है कि हम अपना चैप्टर 16 है, चैप्टर नंबर 16 द एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। और मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं, ए वर्ड विच मॉडिफाइज, ठीक है, जो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं, जो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं कि कब किस वे में किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, वो सभी क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को एडवर्ब के 7 काइंड्स मैंने आपको बताए थे और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की थी। अब देखो, मैंने टू एनफ, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज करवाई थी। टू का मतलब बताया था बहुत ज्यादा और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि काफी, ठीक है। अब यहाँ जो ये थर्ड एक्सरसाइज है आपके पास, जिसमें आपको फेयरली और रेदर इन दोनों का यूज करना है। सबसे पहले बेटा इनका अर्थ पता होना चाहिए आप लोगों को। फेयरली का मतलब होता है काफी, यानी कि बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं, और रेदर का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, ये इससे कम होता है, जैसे टू एनफ था। सो इनके सेंस के अकॉर्डिंग अब आप आराम से मिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज मोहन इज ब्लैंक इंटेलिजेंट बट सोहन इज ब्लैंक स्टूपिड, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोहन इज फेयरली इंटेलिजेंट, यानी कि मोहन काफी होशियार है, परंतु सोहन थोड़ा मूर्ख है, ठीक है, रेदर स्टूपिड। इसी तरीके से सेकेंड है, ही इज फेयरली रिच, वह काफी अमीर है, बट शी इज, परंतु वो थोड़ी गरीब। तो ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन में आसानी से हम इनको यूज कर रहे हैं। इनका सेंस पता चलने के बाद तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिफ्थ जो एग्जांपल है वो देखो, क्योंकि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक सारे ऐसे ही करने हैं आपको। फिफ्थ जो एग्जांपल है, ही गेव अ फेयरली इंटरेस्टिंग लेक्चर, उसकी तारीफ हो रही है, यानी कि उसने काफी रुचिकर भाषण दिया था। सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ वन देखो, आई ब्लैंक लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, क्या आप ये लिखोगे इसमें फेयरली कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पेट्रोल की स्मेल? नहीं, बहुत कम ऐसा होता है जिसको पसंद होती है, ठीक है, वो उनकी लाइक पर होती है, तो इसमें हो जाता है रेदर, आई रेदर लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, इसमें रेदर है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज यूज करने हैं, ठीक है, या तो एडवर्ब यूज करो या फिर एडवर्ब फ्रेज यूज करो। फ्रेज क्या होते हैं, आप लोगों को बताया था कि उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करके बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, कैसे उनमें डिफरेंस होता है। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस निकालते हैं, परंतु फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। ये छोटे से होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं ये, जैसे कि फर्स्ट वन है, माई फादर इज एन अर्ली राइजर, मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं। He rises early in the morning. Early in the morning एक फ्रेज है, ठीक है। तो इसमें जो ये अर्ली है, अर्ली एडवर्ब है, वो टाइम को बता रहा है कि सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज का हमने यूज किया है। इसी तरीके से इसमें ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ओके बेटा। फिर देखो नेक्स्ट पेज पर आपका दिया है डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आप लोगों को बता दिया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो नाउन या फिर प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन देते हैं, परंतु एडवर्ब वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखो एडवर्ब से हम एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं, मोस्टली हम एलवाई यूज करके ही बनाते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि नॉइज है, हैप्पी है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो हैप्पीली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। इसी से रिलेटेड आपके पीछे एक्सरसाइज भी दी हुई है, ये कुछ एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं, इनसे आपको एडवर्ब में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे इजीली है, इजी दिया है, इजीली हो जाएगा, जेंटल है, जेंटली हो जाएगा, ठीक है, बिटरली हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है और यहाँ आज आपका जो ये चैप्टर है एडवर्ब का वो कंप्लीट होता है।
ओके बेटा, थैंक यू।